हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी में आज हमें पढ़ना है अव्यय। अव्यय में हमने दो अव्यय पढ़ लिया है। पहला आपका क्रिया विशेषण से संबंधित, दूसरा जो रहा वह समुच्चय बोधक रहा। आज जो हम बात करेंगे वह अव्यय का तीसरा रूप होगा जो संबंध बोधक आपका अव्यय कहलाता है। इन्हीं पर हमें चर्चा करनी है। संबंध बोधक के भेद क्या होते हैं, इनके रूप क्या होते हैं, उदाहरण कैसे होते हैं, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी है मेनली, ये जब से ये नया फॉर्मेशन हुआ है तब से अब यह अव्यय से भी सवाल अच्छे खासे पूछने लगा है। जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे जेल वार्डन लगी हुई है अभी अपकमिंग में, वर्णच्छक होगी कुछ दिनों के बाद, लोअर मेंस होगा, इन सभी में आप यह मान के चलना कि यूपी ट्रिपल एससी पूरे पॉइंट को आप कवर करती है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर जी इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, वो जितने सिलेबस को लिखती है उतने से सभी से वह सवाल कहीं ना कहीं पूछती है। इस वजह से आपका यह दायित्व तो बनता है कि भैया हर एक पॉइंट को बहुत ढंग से पढ़िए, क्योंकि मैं जितने भी आपको व्याख्यान उपलब्ध करवा रहा हूं हिंदी के लिए, वह सभी जितने यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, चाहे ग्रेजुएट लेवल के आपके सिलेबस है, चाहे आपका 10+2 लेवल का होता है, सभी को मैं कवर करवा रहा हूं एक तरफ से, ठीक है। तो विधिवत क्लासेस को पढ़ते रहिए, इसके बाद जो नोट्स होती है उसको देखते रहें, नोट्स पढ़ते रहें। ये दोनों चीजें आप में ऐसा एक सुधार लाएंगी कि इसके बाद आपको कभी भी जरूरत नहीं होगी कि अब हमें हिंदी को पढ़ना है। सिर्फ आप मेरे साथ उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे और हर एक चीजें आपकी बेहतर की ओर जो है बेहतर से बेहतर दिशा की ओर बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए टीम के द्वारा जो निःशुल्क आपका प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होइए, क्योंकि हम वीडियो सभी आपके फ्री दे रहे, उसमें कोई भी आपसे हम पैसा नहीं ले रहे, लेकिन चूंकि पीडीएफ पर हमारी मेहनत होती है, इस वजह से पीडीएफ के लिए आपको नाम मात्र का सहयोग शुल्क देना होगा, ठीक है। जो भी क्लास होती है उस पर आधारित क्विज भी होती है, चाहे मैथ की है, रीजनिंग की है, जीएस की है, आपकी हिंदी की है, सभी की क्विज भी उसी बेस पर होती है जो मैं क्लास पढ़ाता हूं उस पर आधारित क्विज होती है। तो इससे भी आप अपने आप को यह देख सकते हैं कि हम जो पढ़े उसका कितना ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। तो इसीलिए सबसे बेस्ट कोर्स टीम के द्वारा उतारा गया है 10+ कोर्स के तहत। इसमें हम कई परीक्षाओं को एक साथ कवर करा रहे, जिसमें आपको पीडीएफ के लिए सहयोग राशि सिर्फ 499 रुपए 3 महीने के लिए भुगतान करना है। तो 3 महीने के लिए 499 रुपए इतनी भी बड़ी चीज नहीं है, ठीक। आप इस प्रोग्राम से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा टीम से लाभान्वित हों, यही हमारा उद्देश्य है इस प्रोग्राम को चलाने का। कोई भी समस्या होती है, आप किसी भी हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाह रहे हैं, इस समय टीम के द्वारा कई आपके जो है अच्छे प्रोग्राम का संचालन हो रहा है क्रैश कोर्स का। उसमें सबसे पहला आपका ईपीएफओ है। जो मित्रगण ईपीएफओ के लिए मटेरियल और टेस्ट सीरीज चाहते हैं, वो इस नंबर पर कॉल करके हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, या हमारे ऐप परीक्षा प्लस से सीधा परचेज करके हमारे क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ईपीएफओ में जो जुड़ना चाह रहे हैं, इसमें हम आपको पूरा फुल स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अगर नोट्स चाहिए, उन्हें अगर टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। जो लोग बीओ की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी जो है क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां उन्हें पूरा नोट्स और हर एक टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। 3 इस समय रनिंग में है। आगामी अभी जेल वार्डन हम लोग कुछ दिनों में लॉन्च करेंगे, ठीक है। जेल वार्डन की जो परीक्षा है आपकी, इसमें जो मित्रगण तैयारी कर रहे हैं, अभी क्लासेस पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज आपकी आएगी। और टीम के द्वारा कुछ अन्य प्रोग्राम भी आपके निर्धारित समय से पूर्व ही घोषित किए जा सकेंगे। ऐप पर आपका लोअर मेंस का टेस्ट पड़ा हुआ है, पेपर 1 पेपर 2, उसको दीजिए, फ्री है। बाद में इन टेस्टों को हम बढ़ाएंगे, जल्दी आपके सामने कुछ नई चीजें लेकर टीम के द्वारा जो तैयार की जा रही रणनीतियां, उन सभी पर विधिवत परिचर्चा के लिए एक नए प्रोग्राम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसकी सूचना आपको समय पर देंगे। तो आज हमें क्या पढ़ना है, इस विषय में बात करते हैं। आज हमें अव्यय का तीसरा रूप पढ़ना होता है, तीसरा रूप जो आपका होता है संबंध बोधक अव्यय। यथा नामे जथा गुणे को यह भी परिभाषित करता है, क्योंकि इसका जो नाम है आपका, ठीक, संबंध बोधक अव्यय का, हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें जो चीजें आती हैं, जैसा ये नाम बोलता है उसी अनुसार सारी चीजें होती है।
मतलब जहां पर रिलेशन बताने की बात आ जाए संबंध बोधक अव्यय यही होगा। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसे शब्द जो लोग नोट्स बना रहे लिखना चाह रहे वो लोग लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं किसके साथ, संज्ञा या सर्वनाम की संबंध को बताते हैं दूसरे शब्दों के साथ, वह आपका क्या कहलाते हैं? वह संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का दूसरों शब्दों के साथ रिलेशन बताते हैं, ठीक है, याद रखना। जहां पर यह शब्द संज्ञा और सर्वनाम नहीं है वहां तुरंत दिमाग लगा लेना कि यह संबंध बोधक अव्यय नहीं, यह आपका क्रिया विशेषण का उदाहरण है। हमेशा तुरंत दिमाग में जाएगा कि जहां संज्ञा या सर्वनाम की ये आपका संबंध नहीं बता रहे, किसी और चीज के बारे में बोल रहे, वहां समझ जाना कि यह क्रिया विशेषण के तौर पर आपका यहां पर व्यवहार कर रहे। तो इन दोनों में डिफरेंस है, अभी मैं आगे आपके जो है वाक्यों में प्रयोग के अनुसार बताऊंगा। अब हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि जैसे जहां पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का ऐसा रिलेशन मिले दूसरे शब्दों के साथ जिससे हमें पूर्ण रूप से यह पता चले कि इसमें कोई ना कोई आपका संबंध है, ठीक है। चलिए अब एक एक चीजों को बहुत व्यापक रूप से समझिए, उदाहरणों सहित समझिए कि कौन सा उदाहरण कहां पर आपके लिए अच्छा कार्य करेगा। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जो आपको शब्द मिलेंगे वह शब्द कैसे प्रारूप मिलेंगे। यहां पर मैंने लिख दिया है कि यदि संज्ञा ना हो तो वह अव्यय क्रिया विशेषण होगा, हमेशा दिमाग में बनाए रखना। जैसे आपको कहीं शब्द मिले दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां वाक्यों में होने लगता है वहां आप समझ जाना कि यह संबंध बोधक अव्यय को दर्शाते हैं। अब वाक्य में प्रयोग इनका समझिए। जैसे मैंने पहला वाक्य लिया कि वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। अब यहां ऊपर जो शब्द आया, ठीक, वृक्ष के ऊपर, अब वृक्ष आपका है, इसके ऊपर पक्षी बैठे हैं। दूसरा, धन के बिना कोई काम नहीं होता, यहां बिना शब्द मिल गया। तीसरा उदाहरण मैंने लिखा है, मकान के पीछे गली है। अब यहां तीन शब्द जो आपको मिल रहे हैं, ऊपर, बिना और पीछे, इन तीनों शब्दों में आप देखेंगे कि यह संबंध को दर्शा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे का रिलेशन दर्शा रहे, संबंध दर्शा रहे। और इसमें जो संबंध दर्शाने का इनका भाव है यही चीज संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझिए। इसमें एक चीज को आपको विशेष रूप से भैया ध्यान रखनी है कि संबंध बोधक जो शब्द हैं इनको संबंध दर्शाना आवश्यक होता है। हमेशा यह चीज ध्यान रखिएगा, इनको रिलेशन जरूर दर्शाना पड़ेगा। जब यह संबंध ना जोड़कर साधारण रूप में प्रयुक्त हो तो यह क्रिया विशेषण का कार्य करता है, ठीक, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। अगर संबंध नहीं दर्शा रहे तो वहां वह क्रिया विशेषण होंगे और आप वहीं गलत कराओगे, ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। अब संबंध बोधक के भेद के बारे में जान लीजिए, कौन इसका कैसे भेद होता है। तो इसके भेद हम कई आधारों पर करते हैं, ठीक है। देखिए पहला आधार इसका बनाते हैं हम प्रयोग के आधार पर कि वाक्यों में जैसा प्रयोग हो रहा है इस अनुसार संबंध बोधक जो आपका अव्यय है इसके भेद कैसे बनते हैं। दूसरा, हम अर्थ के अनुसार लेते हैं। और तीसरा, व्युत्पत्ति के आधार पर इनके हम प्रकार बनाते हैं, भेद बनाते हैं। तो इन तीनों आधारों पर हम समझते हैं कौन सा आधार आपका संबंध बोधक को दर्शाएगा। पहला मैंने लिया है प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक के तीन रूप हमें देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे इनका प्रयोग होता है, एक संबंध आपका होता है संबंध बोधक अव्यय संबंध, दूसरा होता है अनुबद्ध संबंध बोधक जो है संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा होता है उभयवेधी, ठीक है, यानी जहां पर दोनों के रूप हमें दिखाई पड़े। अभी आगे क्लियर होगा। अर्थ के अनुसार देखा जाए तो भैया इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः हम आठ विभेद इनके मानते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, सादृश्यवाचक, विरोध सूचक और सीमावाचक। ये आठ विभेद इनके माने जाते हैं। कहीं कहीं आपको 13 लिखे मिलते हैं, कहीं 11 लिखे मिलते हैं, कहीं 12 भी लिखे मिलते हैं, लेकिन आठ इनके मूल रूप से विभेद होते हैं,
ठीक है। अगला होता है तीसरा जो रूप होता है कि व्युत्पत्ति के अनुसार इनके कितने विभेद होते हैं। तो जब उत्पत्ति देखते हैं तो उत्पत्ति में भैया एक मूल देखते हैं किसी का, ठीक है, कि इसका मेन रूट कहां से है, जड़ कहां से, तो मूल संबंध बोधक, और दूसरा यौगिक हो जाता है कि जब दो केस जो है योग से कोई तीसरा बन जाए तो वहां पर तीसरा विभेद बनता है। तो तीन प्रकार में याद रखना, पहले प्रयोग के अनुसार आपका तीन भेद मिल जाता, दूसरे के अनुसार आठ भेद मिलता और तीसरे के अनुसार दो विभेद मिलता। इन्हीं को हमें समझ लेना है उदाहरणों के अनुसार और हर एक चीजें आपकी वहीं क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक एक मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। पहला होता है जो प्रयोग के अनुसार हम लेकर चल रहे, प्रयोग के अनुसार हमने पहला पढ़ा कि संबंध बोधक जो है पहला आपका अव्यय होता है, इसको विभक्ति सहित बोलते हैं। संबंध जो सबद्ध का अर्थ होता है जुड़ा होना, मतलब जहां जुड़ाव मिले संबंध के साथ, यानी विभक्ति के साथ कोई चीज जहां जुड़ा मिले विभक्ति सहित हो, ऐसे संबंध बोधक अव्यय हमेशा ध्यान रखना संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते, संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते, यानी ये विभक्ति सहित होते। कैसे? जैसे धन के बिना कहीं मिल गया, नर की नाई, ठीक, ऐसे शब्द जहां मिलेंगे जहां पर विभक्तियों का प्रयोग हो, ठीक है, जैसे यहां पर के हो गया, यहां की हो गया, ये सब विभक्तियां हैं और इनका प्रयोग जहां पर मिले संज्ञा शब्दों के बाद, यहां लिखा है साफ साफ कि संज्ञा की विभक्ति के पीछे जहां पर ऐसे शब्द मिले वह सबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया। दूसरा समझिए अनुबद्ध, यानी जिसमें जुड़ाव आपको ना दर्शाए, जो उससे जुड़ा ना हो, यानी जिसमें विभक्ति ना आए तब भी उनका प्रयोग होता, यानी ऐसे संबंध बोधक अव्यय जो संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते, जैसे किनारे तक, सखियों सहित, कटोरे भर, पुत्रों समेत, ऐसे शब्द जहां पर आपको मिलने लगे वहां समझ जाना कि इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं है और यह आपका क्या है, प्रयोग के आधार पर दूसरा विभेद जिसको हम अनुबद्ध जो है संबंध बोधक अव्यय कहते हैं उसका यह उदाहरण है। तीसरा होता है उभयवेदी, उभयवेदी का अर्थ होता है जिसमें विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों प्रकार से जहां अव्यय का प्रयोग होने लगे वहां उभयवेदी संबंध बोधक अव्यय होता है। मूल आपके दो होते हैं, पहला और दूसरा जो मैंने बताया, सबद्ध संबंध बोधक अव्यय, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय, दो ये मूल होते हैं। तीसरा भी कहीं कहीं मिलता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि मान लो उदाहरण ऐसा मिल गया, ठीक, इसमें हमेशा याद रखना उभयवेदी जो संबंध बोधक अव्यय होता है इसमें शब्द आपको मिलेंगे जैसे द्वारा, बिना, जहां पर ऐसे शब्द आपको मिल गए वहां समझ जाना कि ये उभयवेदी के द्वारा निर्मित आपके अव्यय हैं। जैसे यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया, विभक्ति भी है, शब्द भी है, यानी दोनों चीजें आपको एक साथ मिल रही, यानी यह उदाहरण उभयवेदी का है, ठीक, प्रयोग के आधार पर। ऐसे अगला मैंने लिखा, इसी को अगर हम दूसरे रूप में लिखना चाहें जहां विभक्ति रहित हो तो लिख सकते हैं यह पत्र मीरा द्वारा लिखा गया, हमने विभक्ति को हटा दिया, यानी बिना विभक्ति के भी प्रयुक्त हो गया और विभक्ति सहित भी प्रयुक्त हो गया, तो यह उभयवेदी का एक उदाहरण बनेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला भेद, अर्थ के अनुसार सबद्ध बोधक अव्यय संबंध बोधक अव्यय के भेद क्या है। आठ प्रकार हमने पहले ही पढ़े हैं, अब इन आठों प्रकारों को ढंग से समझते हैं। देखो पहला होता है कालवाचक, तो यथा नामे जथा गुणे को यह भी सुशोभित करता है। काल का समय अर्थ होता है समय को बताने वाला, यानी जिन अव्यय शब्दों से समय का बोध हो उन्हें कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अब संबंध आना चाहिए, जैसे संबंध में जैसे आगे पीछे, यह भी तो संबंध समय दर्शाते, बाद में, पश्चात, पुनः, उपरांत, मतलब उपरांत, ये सब शब्द आपको समय दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण समझिए, राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, तो राम के बाद, अब यहां बाद जो शब्द आया ये क्या दर्शा रहा, ये समय को दर्शा रहा, काल को बता रहा, इसलिए ये कालवाचक संबंध बोधक अव्यय का एक भेद है। दूसरा प्रकार बढ़ते हैं, स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय, जिन अव्यय शब्दों से स्थान का बोध होता उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे
आपको जहां ऐसे शब्द मिले आगे पीछे, ठीक है, ये मैंने वहां भी लिखा, लेकिन आपको वाक्य में प्रयुक्त होने पर एकदम क्लियर हो जाएगा यह विभेद किसका है। आगे पीछे सामने निकट भीतर ऐसे शब्द जहां मिलने लगे वहां समझ जाना कि ये किसके भेद हैं। यह स्थानवाचक, जैसे मेरे घर के सामने बगीचा है, अब यहां सामने शब्द जो आया ये क्या दर्शा रहा, स्थान को दर्शा रहा, भाई मेरे घर के सामने, घर के सामने का स्थान हो गया, तो यह स्थानवाचक संबंध बोधक का भेद है। तीसरा होता है दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से किसी दिशा का बोध होता है उन्हें दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कहीं मिल गया शब्द आपको ओर, तरफ, प्रति, ऐसे शब्द जहां मिलने लगे वहां आप समझ जाना कि ये किसको, दिशा को दर्शा रहे, किसी ना किसी डायरेक्शन को क्या कर रहे, संकेत कर रहे। जैसे बोलते नहीं, परिवार की तरफ देखो कि कितने भले लोग हैं और अपनी तरफ देखो तुम कितने अच्छे लोग हो, ठीक है, या अच्छे व्यक्ति हो, ठीक। यहां उदाहरण समझाया जा रहा, किसी को ताने मारे जा रहे कि अपने परिवार की तरफ देखो कि कितने भले लोग हैं और एक अपने आप को देखो, ठीक, कि कोई भी बुराइयां तुमसे भाग के भी नहीं बची है। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग मैं समझना। चौथा भेद समझो जो है साधनवाचक संबंध बोधक, जहां पर कोई साधन के लिए प्रयोग कर लिया जाए, यानी जिन अव्यय शब्दों से किसी साधन का बोध होता उन्हें साधनवाचक। जैसे आपको शब्द ऐसे मिले, कहीं शब्द का प्रयोग हो गया माध्यम, कहीं पर जरिया लिखा है, कहीं द्वारा, सहारे, मार्फत, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां मिले वहां समझ लेना ये साधनवाचक संबंध बोधक के उदाहरण है। जैसे पहला आपके पास हो गया कि वह मित्र के सहारे ही पास हो सकता, मतलब उसका बेड़ा पार उसका मित्र ही कराएगा, तो यहां जो शब्द सहारे आया ये हो गया किसका, ये आपके किसी ना किसी सहायता को दर्शा रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कारणवाचक, इसका नाम आपको हेतुवाचक भी मिलेगा, याद रखना हेतु या कारणवाचक दोनों एक ही है, हेतु का अर्थ कारण होता है, तो यहां पर जिन अव्यय शब्दों से किसी कारण का बोध होता, ठीक, उन्हें कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय बोलते। जैसे कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग मिले, अगर कहीं पर लिखा है कारण, कहीं लिखा है हेतु, कहीं लिखा वास्ते, निमित्त, खातिर, ठीक, इनके खातिर मैं ये काम किया, ठीक, तो ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग हो वहां समझ जाना कि ये हेतु बोधक है या कारण बोधक आपके संबंध बोधक के उदाहरण है। जैसे रावण अपनी दुष्टता के कारण मारा गया, अब यहां जो कारण शब्द प्रयोग हुआ ये हेतु बोधक है या कारण बोधक है, समझ गए। अगला विभेद छठा है सादृश्यवाचक संबंध बोधक, जिन अव्यय से समानता, ठीक है, सादृश्यता का मतलब होता है समानता दर्शाए आप, ठीक, ऐसे शब्द जहां मिले उन्हें सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे समान कहीं पर मिल गया शब्द आपको, तरह मिल गया, जैसा मिल गया, वैसा मिल गया, ऐसे शब्द जहां आपको मिलने लगे वहां समझ जाना कि ये तुलनात्मक रूप दर्शा रहा है, एक दूसरे के रूप से तुलना है समानता से। जैसे मानसी के समान मीरा भी सुंदर है, अब यहां समान शब्द जो आया ये सादृश्यता को दर्शा रहा, ठीक है, यानी ये किसका विभेद है, ये सादृश्यवाचक संबंध बोधक का विभेद है। अगला है विरोधवाचक संबंध बोधक, विरोधवाचक यानी ऐसे शब्द या ऐसे अव्यय जिन शब्दों से हमें प्रतिकूलता कहीं पर मिले, ठीक है, या विरोध का बोध हो उन्हें विरोधवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे शब्द यहां कैसे कौन कौन मिलेंगे, कहीं शब्द का प्रयोग मिल गया विरुद्ध, कहीं मिल गया प्रतिकूल, कहीं मिल गया विपरीत, कहीं मिल गया उल्टा, ऐसे शब्द जब आपको मिलेंगे तो वहां हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे शब्दों का जो प्रयोग होता ये विरोध सूचक होते, विरोध वाचक होते। अगला होता है सीमावाचक संबंध बोधक, आठवां जो इसका विभेद होता है अर्थ के आधार पर, इसको समझो। सीमावाचक यानी जिन अव्यय शब्दों से किसी सीमा का पता चलता उन्हें सीमावाचक संबंध बोधक अव्यय कह लेते। जैसे शब्द मिल गया आपके तक, पर्यंत, भर, मात्र, ऐसे शब्दों का जहां आपको प्रयोग मिल जाए वहां याद रखना कि ये सब क्या है, सीमावाचक संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है। जैसे समुद्र पर्यंत या पृथ्वी तुम्हारी है, पर्यंत का अर्थ एक सीमा को तय कर दिया, यानी समुद्र के तक पृथ्वी तुम्हारी है, समुद्र के बाद तुम्हारी नहीं है पृथ्वी, ठीक। आगे बढ़ते हैं
तीसरा प्रकार क्या है? व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक के भेद। व्युत्पत्ति यानी कहां, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, इस अनुसार समझिए। इसके अनुसार भैया एक बनता है मूल संबंध बोधक। मूल का अर्थ है कि ऐसा अव्यय जो किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते अपितु तो अपने मूल रूप में ही रहते, उन्हें मूल संबंध बोधक अव्यय कहते। जैसे मिल गया कहीं शब्द आपको बिना, समेत, तक, ऐसे शब्द आपको मिलने लगे तो वहां समझ जाना कि ये अपने मूल रूप में है। दूसरा होता है यौगिक संबंध बोधक, यानी जो अव्यय संज्ञा विशेषण क्रिया आदि के योग से बनते उन्हें यौगिक संबंध बोधक। जैसे पर्यंत लिखा है तो परिधन अंत दो शब्दों से आपके मिलकर बने, यानी यह यौगिक संबंध बोधक अव्यय उदाहरण है। अगला ध्यान दीजिए, यहां जो मैंने आपको पहले बताया कि संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है, इसको समझ लीजिए। भैया मैंने आपको बताया कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों रूपों में किया जाता। जैसे आपका लिखा हुआ है कहीं शब्द सामने, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, ऊपर। अब ये शब्द ऐसे हैं इनका प्रयोग हम क्रिया विशेषण के तौर पर करते हैं क्योंकि ये क्रिया की भी विशेषता बतलाते और साथ ही साथ इनका हम संबंध बोधक के तौर पर भी जो है प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जब ये शब्द किसी क्रिया की विशेषता को बतलाएं, जब ये शब्द किसी क्रिया की विशेषता को बताते तो वहां क्रिया विशेषण होते, लेकिन जब वह शब्द दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध का बोध जो है कराते तो वहां ये संबंध बोधक के उदाहरण होते हैं। याद रखना, क्रिया की विशेषता तो ये क्रिया विशेषण, और जब संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का आपस में संबंध दर्शाए तो ये संबंध बोधक अव्यय। ठीक, यहां से गलती मत करना। अब वाक्यों में प्रयोग के तौर पर समझ लीजिए, यहां मैंने लिखा है क्रिया विशेषण के रूप में इनका प्रयोग कैसे होगा और संबंध बोधक के रूप में इनका प्रयोग कैसे होगा। दोनों उदाहरणों को बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूजन यही खत्म हो जाएगी। जैसे यहां उदाहरण आगे शब्द मैंने लिया, दोनों में प्रयोग किया। देखिए यहां क्रिया विशेषण के रूप में जब आगे शब्द का प्रयोग होगा, वह आगे चल रहा है। ठीक है, वह आगे चल रहा। अब क्रिया विशेषण में चलना जो है क्रिया है, क्रिया की विशेषता बतला रहा कि वह आगे चल रहा, तो यह क्रिया विशेषण। संबंध बोधक में कैसे, वह सुरेश से आगे चल रहा। अब सुरेश से आगे मतलब दो शब्दों में क्या दर्शा रहा, संबंध दर्शा रहा। वह सुरेश से, संज्ञा यहां सर्वनाम का संज्ञा के साथ रिलेशन दिखाया, तो इसलिए यह संबंध बोधक के रूप में होगा। समझ गए होंगे। दूसरा जैसे उदाहरण है, नीचे शब्द को मैंने लिया, राकेश नीचे बैठा है। राकेश नीचे बैठा है, अब यहां बैठे शब्द की यह विशेषता बतला रहा, इसलिए यह क्रिया आपका विशेषण है। दूसरा इसमें समझिए, जब इसका संबंध बोधक राकेश चारपाई के नीचे छिप गया, अब चारपाई के नीचे राकेश, इसका तो संबंध बता रहा एक शब्द के साथ दूसरे, इसीलिए यह क्या होगा, यह संबंध बोधक होगा। तीसरा मैंने यह शब्द लिया पीछे, वह पीछे आया, वह आया पीछे आया, तो पीछे आने का अर्थ यहां हुआ क्रिया की विशेषता को बतलाया, इसलिए यह क्रिया विशेषण होगा। यहां पर समझिए, प्रिया दीवार के पीछे खड़ी है, प्रिया दीवार के पीछे खड़ी है, यहां प्रिया का यह संबंध बता रहा ना, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय का रूप होगा। अगला है ऊपर, एक शब्द है श्याम ऊपर सो रहा, सो रहा ऊपर। ठीक, तो यह भी क्या हो गया, क्रिया की विशेषता को दर्शाया है। अगर इसी को संबंध बोधक में दर्शाना तो क्या लिखेंगे, श्याम छत के ऊपर सो रहा। अब यहां जैसे इसका प्रयुक्त हुआ, मतलब बहुत छोटा सा इसमें अगर आपने कहीं इधर उधर मिस्टेक किया तो आप जल्दी वहां पर तुरंत एक नंबर अपना खो देंगे। इसीलिए ध्यान रखना है कि हमें ऐसे शब्दों में विभेद में कोई अंतर बहुत अस्पष्ट रूप से समझ के तभी वहां पर पेन चलानी है। तो उम्मीद है संबंध बोधक अव्यय आप ढंग से समझ गए होंगे। इसके बारे में मैंने सारी चीजें बता दी है, वाक्यों में प्रयोग भी आ गया है। इसके बाद हम अगला अंतिम जो अव्यय का विभेद है विस्मयाद बोधक के बारे में कल बात करेंगे। तब तक वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को परीक्षा प्लस परिवार में जोड़ते रहिए, ये भैया आपका दायित्व है। और कुछ बढ़िया बढ़िया कमेंट देकर जाओ कि हम जो वीडियो जो उपलब्ध करवा रहे हैं जितने भी 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत आपके लिए कैसे हितकारी होते हैं, आपको उससे कैसा फायदा मिल रहा है, इन सभी के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।